इंडस्ट्री के कलाकार, वेटेरियन, अभिनेत्री और राजनीतिक यानी कि किरण खेर की बीमारी को लेकर बात कर रहे हैं। सबके जुबा पर एक ही शब्द है कि किरण खेर को इस बीमारी से लड़ने की शक्ति मिले और एक फाइटर की तरह वो ब्लड कैंसर से लड़कर एक मिसाल बने। लेकिन 68 की उम्र में इस गंभीर बीमारी से लड़ना और इस बीमारी को हराना, वो भी महामारी के इस स्थिति में जहां रोज़ बरोज़ पूरे महाराष्ट्र में हजारों हजारों की संख्या में सितारे चपेट में आ रहे हैं इस बीमारी के, जनता से लेकर बड़े कलाकारों तक, बड़े हस्तियों से लेकर बड़े चेहरे तक, सब इस बीमारी की वजह से है परेशान। किसी को आर्थिक तंगी से सामना करना पड़ रहा है तो किसी को बीमारी की लाचारी में, अपनी मजबूरी में काम छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में किरण खेर भी अपने राजनीतिक कार्य भार से पीछे हट गई है क्योंकि महामारी है जिसके कारण वो विदेश में अपना इलाज कराने नहीं जा सकती है। ब्लड कैंसर के टाइप 3 यानी कि मल्टीपल मेलोमा से पीड़ित किरण खेर को इस वक्त कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किरण खेर की बीमारी की वजह से अनुपम काफ़ी चिंतित है। उनके पति, उनके बेटे दुआएं कर रहे हैं कि दुआएं रंग लाए और घर लौट आए किरण, क्योंकि किरण का हॉस्पिटल जाना आना बीते कई महीनों से लगा है। तो आपको आज हम बता दें कि ये पहली बार नहीं जब खेर परिवार में ऐसी बड़ी मुसीबत आई। सालों से कई बार अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना किरण खेर और अनुपम खेर ने किया है। आज उनके घर का ही एक ऐसा ही तटभरा राज आपके बीच हम खोलेंगे। राजनीति में आने के बाद किरण को बॉलीवुड से सफर से दूरी बनाने के बाद, राजनीति में आने के बाद कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में बीजेपी की MP और आपकी फेवरेट किरण खेर को विपक्ष पार्टियों के निशाने में बनते हुए देखा गया। जब वो इस बीमारी के दर्द से जूझ रही थी तब भी उनके लिए सवाल खड़े किए गए, क्रिटिसाइज उन्हें किया गया। मजबूरन अनुपम को बताना पड़ा कि उनकी पत्नी इस बीमारी से पीड़ित है। क्या आपको मालूम है राजनीति में आने के बाद किरण की जिंदगी में कई ऐसे हादसे हुए। अनुपम के घर तक को घेरा गया, अनुपम खेर और किरण खेर के घर को इस तरह से घेरा गया और इस तरह उनके घर पर एक बार हमला हुआ जिसके कारण अनुपम काफी घबरा गए थे। परिवार को लेकर, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपनी पत्नी किरण को लेकर, बेटे सिकंदर को लेकर। अनुपम ने फिर स्टेटमेंट भी दिया था। जी हाँ, उस हादसे की हम बात कर रहे हैं जब कई लोगों की भीड़ इकट्ठा थी अनुपम के घर के बाहर। वो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था, उनके घर के बाहर का काफ़ी खौफनाक। आखिर क्या हुआ था, कौन से हादसे का जिक्र हम कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे हमारे शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम आपके फेवरेट कलाकारों के बीच, आपके फेवरेट पसंदीदा सितारों के बीच, अनुपम खेर की जिंदगी के, उनके घर के किस्से से आपको रूबरू कराएंगे हम। तो आइए जानते हैं वो हादसे के बारे में जो काफी डरावना था। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस वक्त वेटेरियन अभिनेता अनुपम खेर के लिए आसान नहीं है खुद को संभालना, क्योंकि बुढ़ापे की इस उम्र में जो सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है अपने प्यार की, अपनी मोहब्बत की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की, उस अनुपम खेर के लिए मुसीबत ये बन गई है इस वक्त कि वो कैसे भी करके अपनी पत्नी को ठीक करना चाहते हैं, ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि उनकी ये चाहत पूरी होगी ज़रूर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त काफ़ी लंबा लगेगा और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपको यहाँ अपनी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, कितनी बड़ी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है आप सभी के बीच। यहाँ आपको बताना चाहेंगे किरण खेर और उनके पति के बारे में। घर पर बूढ़ी माँ को लेकर परेशान रहने वाले
अनुपम खेर के घर पर जो हादसा हुआ उसके बारे में वो बात करते हुए आज भी कांप उठते हैं। चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये जानकारी दे दें कि कितना ज़्यादा तकलीफ भरा रहा उनके लिए खुद को संभालना, कितना ज़्यादा उस वक्त जब हुआ उनके घर पर एक हादसा, जब हाउस में हमला कर दिया गया किरण खेर के घर पर, अनुपम खेर के घर पर। ये तनुस आप तस्वीरें देख सकते हैं घर के अंदर, घर के दरवाजे पर हुए हमले को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उनके घर पर हमला किया गया था। मुंबई पुलिस ने भी डिटेन किया था पार्टी के एक्टिविस्ट को। जिस तरह से अनुपम खेर के अपने घर पर मुसीबत बनी थी, ये बात है 10 अप्रैल की तारीख की, मुंबई के उस इंसिडेंट की, आज से 10 साल पहले की, जब अनुपम खेर के अपने घर पर शनिवार की उस शाम को आरपीआई के एक्टिविस्ट को देखा गया था कि काफ़ी वो परेशान कर रहे थे। जलाने की भी कोशिश किया गया था उनके घर को और बहुत ज़्यादा मुश्किल से संभाल पाए थे अनुपम अपने परिवार को इस वक्त। क्या आपको मालूम है कि एक कमेंट कर दिया था अनुपम खेर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जिसके बाद गुस्से का सामना अनुपम खेर को करना पड़ा था इस कदर, और किरण और उनका बेटा और उनका परिवार वाले के सदस्य काफ़ी चिंतित हो गए थे। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उन्होंने जो एक रिमार्क दिया था वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्ड में था, और इसे लेकर ही वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। उन्होंने कहा था, आई एम सरप्राइज दैट मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली हैव एलेक्ट दैट आई हैड मेड डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन टेलीविजन यस्टरडे। टेलीविजन में उन्होंने ऐसा किया है, उस पर शॉक्ड हैं। इट हैज़ बीन एलेक्ट दैट आई हैड स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी थ्रोन। आई टोटली डिनाई हैव मेड सच अ स्टेटमेंट यस्टरडे और एट एनी टाइम इन द पास्ट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर कर देना चाहिए, संविधान को, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ये गलत इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। खेर ने अन्ना हजारे के सपोर्ट में ज़रूर बात की हंगर स्ट्राइक को, लोकपाल बिल को लेकर, और जंतर मंतर वो ज़रूर पहुँचे, लेकिन ये एलिगेशन उन पर गलत थे। अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जो थे वो अलग थे, और इसे लेकर ही वो उनके घर पर हुए इस मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि इस तरह से उनके घर को काफ़ी बड़ी क्षति पहुंची थी। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति। तो ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड अपडेट, जिसमें हमने बात की आपके बीच किरण खेर और अनुपम खेर के घर हुए उस हादसे को लेकर, जिसकी तस्वीरें हमने आपके बीच पेश की है। वाकई में आसान नहीं था बुढ़ापे की इस उम्र में ऐसी परेशानियों का सामना करते हुए अनुपम को इससे उभर पाना। हाल ही में आम आदमी और मिडिल क्लास की फैमिली को लेकर एक वीडियो अनुपम ने शेयर किया, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। आम आदमी को लेकर उनका वीडियो काफ़ी इमोशनल था, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ कहे जाते हैं। इस कारण से ही अनुपम के घर के इस हादसे की वजह से फैंस भी काफ़ी टूटे थे। खैर, वक्त हो गया है बॉलीवुड अपडेट के साथ यहीं आपसे विदा लेने का। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।